बढ़ते आगे, बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 3 महीने तक रैयतों को अपने कागजात को ठीक करने के लिए समय दिया जाएगा और ऐसा भूमि सर्वे को लेकर किया जाएगा, जिसको लेकर विभाग 1-2 दिनों के अंदर पत्र भी जारी करेगा। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे का काम किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों और रैयतों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए 3 महीने तक कागज सहेजने के लिए वक्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वे होने से थानों में 60% मामले घट जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 50,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन भू माफिया के पास है। अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक, और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को पकसने वाला है। और पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी कि लोगों के पास कागजात नहीं है और कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जहां जमीन तो है लेकिन पेपर्स किसी पूर्वज के नाम पर है, लोगों ने अभी तक अपने नाम पर उसे ट्रांसफर नहीं किया है। तो इस तरह की समस्याओं को देखते हुए अब 3 महीने का ये वक्त दिया गया है कि आप 3 महीने में कागज का इंतजाम कर लीजिए और सर्वे तो जरूर होगा, ये कहा है दिलीप जायसवाल ने। बिल्कुल, देखिए कल देर रात्रि जो दिलीप जायसवाल जो बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, वो पप्पू यादव जो सांसद पूर्णिया के हैं उनसे मिलने पहुंचे थे। पिछले दिनों पूर्णिया के सांसद पिताजी का देहांत हो गया था, वहीं पर पत्रकारों से बात करते हुए भूमि सुधार राजस्व मंत्री ने कहा है कि अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपके पास में 3 महीने का समय है और आप उसे आप रेडी कीजिए, आपके पास में है तो उसे जहां से भी हो आप अंचल कार्यालय जाइए, वहां से आप व्यवस्था कर लीजिए, आपके पास है। और जो जमीन सर्वे का जो काम है उसे किसी भी कीमत पे पूरा किया जाएगा, इसे रोका नहीं जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया है कि बिहार ही है जो कि अभी तक जमीन सर्वे का काम नहीं हो सका, लेकिन बाकी जो राज्य है वहां पे जमीन सर्वे का जो काम है वो पूरा हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। आप कुछ वहां पे जमीन के लिए आप कुछ भी आप वहां से ऑनलाइन देख सकते हैं, इसलिए बिहार में भी ये चीज होना जरूरी है। जो भी आप कह सकते हैं इसमें जो अड़चने हैं उन सब चीजों को दूर कर लिया जाएगा जल्दी और इस जमीन सर्वे के काम को सरकार किसी कीमत पर नहीं रोकेगी। बिल्कुल, और साथ ही दिलीप जायसवाल ने यह भी बताया है कि जमीन सर्वे का काम होने से क्राइम कंट्रोल भी बिहार में होगा। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका तमाम जानकारी के लिए। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।